आप आजकल जोमैटो से बिल्कुल ऑर्डर नहीं कर रहे क्या? कल 6% गिरा, आज 6% गिरा, ये क्या डर सता रहा है? ये डाइल्यूशन कंसर्न है प्योरली, या टॉप लाइन को रेलेवेंट रखने के लिए जो पैसा झोंकना पड़ रहा है उसकी मजबूरी? जो पैसा झोंकना पड़ रहा है उसकी मजबूरी और ब्लिंकिट को लेकर के जो मूल्यांकन सामने आए हैं। और एक बात आशीष, ये जो पूरा नवयुग प्राणी का एक दौर और सिलसिला चला है न्यू एज यूनिकॉर्न्स को लिस्टिंग का, ये जो ब्लिंकिटिन में इन्होंने निवेश किया है, यहाँ पर पहले से ही काफी सारी प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा और तगड़ा है, तो रेलेवेंसी को लेकर के और जो योगदान बैलेंस शीट को लेकर के हमारे जहन में जो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है वो ये है कि एक तो पहले इतनी बड़ी रकम आपने अदा करी, दूसरी बात कंपटीशन को लेकर के एक बहुत ही बड़ी भीड़ इस क्षेत्र में है, तो आप अपने आप को रेलेवेंस कैसा साबित करोगे और आप अपने आप को किस तरीके से बैलेंस शीट के योगदान के काबिल बनाओगे? मेरे ख्याल से ये एक कारण है जिसके वो लेकर के आपने करीबन 6% की गिरावट कल देखी थी और आज कुछ वो गिरावट आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही, लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है इस स्तर पर नहीं। मेरे ख्याल से ये खबर को लेकर के शायद ये 60 के नीचे 55 के करीब जा सकता है। अगर किसी को नया निवेश करना है और नजरिया 1.5 से 2 साल का है, तब जा करके धीरे धीरे करके उस स्तर पर निवेश करें। इनफैक्ट मैं कई सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने जोमैटो उस पीक पर लिया था जब वो 145 के आसपास था स्टॉक। मोस्ट पीपल ने कहा राइट ऑफ कर दो, मतलब बनेगा पैसा बनेगा, हार या पार देखा जाएगा, जोमैटो हो पेटीएम हो वैसी अप्रोच के साथ, पर वो क्वांटम जो लोगों का है ना वो बहुत कम, पर आज भी बहुत कम है। अभी इन लेवल्स पर कोई रिस्क नहीं ले रहा। आज भी लोग जो पॉजिटिव हो ये बोलते हैं 5 साल बाद देखिएगा पता नहीं कहाँ चला जाएगा, तो आप वो 5 साल बाद उन्हें भी नहीं पता क्या चल जाएगा, उन्हें कैसे पता? लेट लॉटरी वाला है, क्या पता आपका नंबर आ जाए, तो अब वो पता नहीं। हाँ ये बात सही है, आगे चल के हो सकता है निफ्टी 50 की कॉन्स्टिट्यूट में कोई न्यू एज कंपनीज भी शुमार होती हुई नजर आई, कौन सी ये तो क्वेश्चन मार्क आज की डेट में रह गया। इसीलिए दीपन मेहता जैसे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, अच्छी वाली इनमें से जो है उनका एक बास्केट बना के आप चाहें तो रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, हो सकता है 5 साल बाद इनमें से एक आध जो फटेगा तो सबकी भरपाई कर देगा, पर वो अपनी स्ट्रैटेजी हो गई। पोर्टफोलियो मैनेजर्स मिस नहीं कर सकते अपॉर्चुनिटी को, हम रिटेल क्यों एग्रेशन में उतरे स्पेस में, दिक्कत वाली स्पेस है। सतपुते साहब से जब कल चार्ट चेक लिया था तब था 69-67 पता नहीं ऐसे कुछ लेवल थे, 62 के नीचे जाएगा तब बोल दिए थे सतपुते साहब, तो मैंने कहा था बहुत दूर की बात कर दी उन्होंने। सतपुते साहब 62 के नीचे स्लिप हो गया भाई, 61.9 आ गया, 62 ही बोला था ना, उसके नीचे जाएगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। एक नंबर आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा, 62 का ही लेवल था और मुझे कल सिर्फ इतना क्वेश्चन था कि क्या एक ही दिन में ये 62 तोड़ेगा, तो इसलिए मैंने कल थोड़ा सा कॉशियस था मैं, लेकिन आज यहाँ पे डिसाइसिव ब्रेकडाउन है, तो मेरे हिसाब से अगर आपकी पोजीशन है तो एक बार के लिए स्क्वेयर करें, क्योंकि प्रोबेबली ये जिस तरह से पैटर्न दिख रहा है ये इसका जो रिसेंट लो था 50 का एक बार के लिए रिसेट कर सकता है, तो रिटेस्ट कर सकता है, तो 62 के नीचे सेल बनेगा, अगर आपको सेल ही करना है इंट्राडे तो फिर 64 का स्टॉप लॉस लगाए। ओके, तो 64 का स्टॉप लॉस और सेल करना है तो अब देखिए, लेकिन हाँ कमजोर तो पड़ गया है 62 के लेवल्स पर आता हुआ ये काउंटर।